हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुदित गुप्ता और ये हमारा अगला वीडियो है। काफ़ी डिमांड के बाद ये वीडियो बनाया गया है। काफ़ी सारे मेल्स मेरे पास आए थे कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो सी सैट के लिए, सो दैट इट इज़ सफिशिएंट टू क्लियर द एग्ज़ाम। अब आपको पता है सी सैट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, राइट? तो शुरू में कोई इस पर ध्यान नहीं देता, आखिरी में जाके सबको एकदम अटेंशन आती है कि हाँ ठीक है सी सैट पर भी ध्यान देना है। सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग योर लाइफ अ बिट ईजियर बाई गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ सी सैट टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको कोई हवा में बात नहीं करेंगे, डेटा के बेसिस पे बात करेंगे, स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे बात करेंगे, जो पुराना ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का उसके बेसिस पे इस पर बात करेंगे, राइट? अगर सी सैट की बात करें तो मैं इसको चार हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, क्वांट, एलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये चार हिस्सों में जो है सी सैट हमारा डिवाइडेड होता है। अगर हम बात करें ट्रेंड की, 2018 के ट्रेंड की और उससे पहले के ट्रेंड की, जनरल ट्रेंड की, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उनके बेसिस पे क्या सी सैट का ट्रेंड रहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं वो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए हैं, 32%। इस टॉपिक के लिए कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, वहां पे जाओगे आप, पैराग्राफ पढ़ोगे और वो रीड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई थ्योरी है, ना कोई पैटर्न है। पैराग्राफ पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं सेकंड टॉपिक पे, एलआर पे। 28% क्वेश्चंस जो हैं एलआर से आए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड। क्या क्या करना है इसमें अभी देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांट, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर सबसे पहले बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसमें अगर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो इसमें आए हुए हैं इन टॉपिक से आए हुए हैं, ब्लड रिलेशन से आए हुए हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से आए हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है ए के बगल में बी बैठा, बी जो है कॉर्नर पे है, सी और डी बीच में बैठे हैं, उस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी पूछे गए हैं। क्यूब्स एंड डाइस पे काफी क्वेश्चंस आए हैं, एनालॉजी क्लासिफिकेशन पे आए हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग जो फिगर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एरो अभी इस साइड है, फिर इस साइड हो गया, फिर इस साइड हो गया, डॉट लग रही है यहाँ पे, डॉट यहाँ पे लग रही है, डॉट यहाँ पे लग रही है, सो हाउ विल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न, उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा इसमें आए हुए हैं। सो लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ये लिस्ट पूरी कर रहे हो तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं 28% में से सॉल्व हो जाएंगे, राइट? अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्वांट में जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स आए हुए हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आए हुए हैं एवरेजेस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एवरेजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हुए तो इनडायरेक्टली डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी ज्यादा एवरेजेस यूज हुआ हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है क्वांट में वो देना है एवरेजेस पे, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस तो भूल के मत छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और एटलीस्ट दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में से हर साल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर हम प्रीवियस पेपर एनालाइज करते हैं तो ये 10 से 12 टॉपिक्स हैं जो अगर आपने कर लिए अच्छे से तो आपका सी सैट पक्का क्लियर हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वहां पे तो पैराग्राफ पढ़ो और वहीं सॉल्व करो। एलआर एंड क्वांट, ये जो लिस्ट दी है मैंने, ये कर लो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, जैसे देखो ये पाई ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, तो आप यहां से डेटा पढ़ पा रहे हो कि इंग्लिश रीडिंग में से 32% क्वेश्चन आए, लॉजिकल रीजनिंग में से 28% क्वेश्चन आए, डेटा इंटरप्रिटेशन में से 18% क्वेश्चन आए और क्वांट में से 22% क्वेश्चन आए। तो इसी तरीके से वहां पे डेटा दिया होगा, 32 लोग कॉफी पीते हैं, 28% लोग लस्सी पीते हैं, 18% लोग चाय पीते हैं, 22% लोग कोक पीते हैं, तो उसमें कुछ एवरेज, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेजेस ऐसा कुछ निकालना होगा। तो उस तरीके से, तो बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन आप अच्छे से तभी कर सकते हो जब आपकी क्वांट ठीक ठाक है, आपको परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट आते हैं थोड़े बहुत, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन में सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहां पे बात यह बनती है कि ना तो आपको इंग्लिश रीडिंग पे ध्यान देना, ना ही आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देना, ध्यान आपको देना एलआर और क्वांट पे। ये दो टॉपिक आपने कर लिए तो डेटा इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी जो है वो क्वांट में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वांट के ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं अल्टीमेटली, राइट? तो क्वांट अगर आपने ठीक ठाक कर ली 10-15 दिनों में तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी ठीक हो जाएगा। इंग्लिश रीडिंग तो आपको वहां पे जाके ही करना पड़ेगा, वो तो उसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला नहीं है। तो ये अप्रोच रहेगी, ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रहेंगे, ये जो 10-12 टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है मैंने, तो ये अगर आप कर रहे हैं ठीक से तो आपकी काफी अच्छी यहां पे जो है तैयारी हो जाएगी, राइट? टोटल अगर आप देखोगे 13 टॉपिक्स हैं ये जो मैंने मेंशन करे हैं, 7 जो हैं इस लिस्ट में हैं
और 6 टॉपिक्स जो हैं इस लिस्ट में हैं। अगर ये 13 टॉपिक्स आप कर रहे हो तो आपकी अच्छा खासा चांस है कि सी सेट आपका बिना किसी रुकावट के क्लियर हो जाएगा। राइट, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियोज़ आ रहे हैं काफ़ी सारे, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं चैनल पे। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन एकेडमी प्लस। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स, t.me/मुदित गुप्ता। और कमेंट करना मत भूलिए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई स्पेशल डिमांड है आपकी वीडियो को लेकर तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं।